नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपनी यात्रा में फरीदाबाद जाने वाले हैं। दोस्तों, आज 15 अगस्त का मौका है। दोस्तों, आपको हम फरीदाबाद में पतंगबाजी किस तरह होती है 15 अगस्त के मौके पर वह दिखाएंगे। वहां पर पतंगबाजी को एक त्योहार के रूप में बनाया जाता है। आइए हम वहां चलते हैं तथा उस त्योहार को देखते हैं। दोस्तों, इस समय हम मार्केट में पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कितनी प्रकार की पतंगे हैं मार्केट के अंदर। आप देख सकते हैं काफी तरह की पतंगे हैं। यहाँ पर काफी भारी मात्रा में लोग पतंग खरीदने पहुंचे हुए हैं। आइए हम पूरी मार्केट आपको पतंग की दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कोई जो मांझा होता है, जो डोर होती है पतंग उड़ाने की, वह अपने चटखड़े में भरवा रहा है तथा कोई नए मांझे खरीद रहा है तथा कोई विभिन्न प्रकारों की पतंगें खरीद रहा है। आप देख सकते हैं मार्केट में आज के दिन 15 अगस्त के मौके पर कितनी भारी भरकम भीड़ जुटी हुई है पतंग लेने के लिए। आप देख सकते हैं। आइए दोस्तों, हम आगे चलते हैं, आपको और भी दुकानें पतंग की दिखाते हैं। आप देख सकते हैं काफी भारी भरकम भीड़ है मार्केट के अंदर। बहुत तरह की पतंगें हैं मार्केट के अंदर। आप देख सकते हैं दूर दूर तक हमें पतंग की दुकानें दिखाई जा दे रही हैं तथा लोग पतंगों को खरीद कर ले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी भारी भरकम भीड़ है मार्केट के अंदर पतंग खरीदने के लिए। विभिन्न प्रकारों की पतंग है यहाँ पर। पतंगबाजी को एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। आप देख सकते हैं कितनी दुकानें हैं। आप देख सकते हैं बहुत विभिन्न प्रकारों की पतंगें हैं दुकानों पर। आप देख सकते हैं दोस्तों, हम आगे चलेंगे तथा हम भी पतंग खरीद लेते हैं अपने लिए। दोस्तों, इस समय हम अपने छत पर पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं हमने भी मांझा खरीद लिया है, पतंगें विभिन्न प्रकारों की खरीद ली है आज का त्योहार बनाने के लिए। पतंगबाजी का शौक तो मुझे बहुत बचपन से ही था। पतंगबाजी ऐसा शौक है जिसके मजे लूटने के लिए बड़े भी बच्चे बन जाते हैं। भारत में लगभग हर हिस्से में पतंगबाजी की जाती है। हाथ में मांझा लिए बच्चे घंटों तक आसमान में अपनी पतंगों से मजे लूटते हैं। हालांकि पतंग उड़ाने के लिए आपको किसी खास त्योहार की जरूरत नहीं है, लेकिन आजादी के दिन यानी 15 अगस्त को लोग खास तौर से पतंग उड़ाना पसंद करते हैं। जिस प्रकार से हर चीज के पीछे कोई ना कोई इतिहास जुड़ा होता है, उसी तरह पतंगों को लेकर भी एक इतिहास है। कहा जाता है कि करीब 2800 साल पहले पतंग उड़ाने की शुरुआत चीन देश से शुरू हुई थी। चीन में पतंग का आविष्कार मोजी और लू बैन नाम के दो व्यक्तियों ने किया था। उस वक्त पतंग का इस्तेमाल बचाव अभियान के लिए एक संदेश के रूप में हवा की गति और संचार के लिए किया जाता था। लेकिन 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व जिन उपदेशों से पतंग का आविष्कार किया गया था, वो उपदेश उस वक्त बदल से गए और अब पतंग को केवल मनोरंजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। चीन से शुरू हुआ पतंग उड़ाने का ये चलन धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया और इस समय दुनिया के कई देशों में पतंग उड़ाई जाती है। इन देशों की सूची में भारत, अमेरिका, मलेशिया और जर्मनी जैसे देशों के नाम शामिल हैं। वहीं हर देश में अलग अलग कारणों के चलते पतंग उत्सव मनाया जाता है। जैसे चिली देश में स्वतंत्रता दिवस के दौरान वहां के निवासी पतंग उड़ाकर अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। वहीं जापान में भी पतंगबाजी उनके देवता को खुश करने के लिए हर साल मई के महीने में की जाती है। इसके अलावा अमेरिका में जून के महीने में पतंग से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भारत में भी स्वतंत्रता दिवस के दिन और मकर संक्रांति के दिन पतंग आसमान में उड़ती हुई आप देख सकते हैं। भारत देश में हर साल कई तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। त्योहार को काफी उत्साह से पूरे भारत में मनाया जाता है। इस दिन काफी अलग अलग किस्म की पतंगे आसमान में देखने को मिलती हैं। इतना ही नहीं, भारत में प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव को भी मनाया जाता है। अपनी छत पर चढ़ करके पतंग उड़ाने का आनंद उठा रहे हैं। आप देख सकते हैं हर छत पर आपको पतंग उड़ाता हुआ व्यक्ति देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं आसमान में कितना बढ़िया नजारा है।
चारों तरफ पतंग ही पतंग आपको नजर आ रही होगी, आप देख सकते हैं। आइए दोस्तों हम भी पतंग उड़ाते हैं, आइए हम भी पतंग उड़ाने की तैयारियां करते हैं, आइए हम भी पतंग बाजी का आनंद उठाते हैं। चलिए दोस्तों अब हम जा रहे हैं पतंग उड़ाने। सबसे पहले आपको हम कन्नी बांधना दिखाते हैं, हम कन्नी किस प्रकार से बांध रहे हैं आप देख सकते हैं। हमारे पास काफ़ी तरह की पतंगे हैं, विभिन्न प्रकारों की पतंगे हैं, कागज की पतंगे हैं, रंग बिरंगी पतंगे हैं, हम देख सकते हैं कन्नी बांध रहे हैं। इसको पंजाब में तड़ामा बांधना भी बोलते हैं। मैंने पंजाब में काफ़ी पतंग उड़ाई है तो वहाँ पर इसको तड़ामा बांधना बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको कन्नी बांधना बोलते हैं। देख सकते हैं कन्नी किस प्रकार से बांध रहे हैं हम लोग। मैं सोच रहा हूँ काफ़ी पतंगों में कन्नी बांध लेता हूँ, क्योंकि जब मेरी पतंग कटेगी या बार बार कन्नी बांधूंगा काफ़ी टाइम लगेगा, एक साथ ही काफ़ी पतंगों में सोच रहा हूँ मैं कन्नी बांध लूँ, जिससे कि एक पतंग कटे तुरंत दूसरी उड़ाने लग जाऊँ। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं काफ़ी पतंगों में कन्नी एक बार में ही बांध लेता हूँ, जिससे कि बहुत आसानी रहेगी पतंग उड़ाने में। आप देख सकते हैं मैं काफ़ी पतंगों में कन्नी बांध रहा हूँ, विभिन्न प्रकारों की पतंगे हैं। मुझे बचपन से ही पतंग उड़ाने का काफ़ी शौक है। मैं बचपन से ही जब बहुत छोटा था खुद पतंग बनाता था, कभी कागज की पतंग बनाता था, और कई बार तो हम पतंग उड़ाने के लिए डांट भी बचपन में खाया करते थे। आप देख सकते हैं पतंग उड़ाना मैंने शुरू कर दिया है, बहुत ही आनंदमय पल होता है ये पतंग उड़ाने का, बहुत ही आनंद आता है इसमें। आप देख सकते हैं और भी छतों पर काफ़ी लोग आ चुके हैं, देख सकते हैं तैयारियां कर रहे हैं पतंग उड़ाने की, और आसमान में आप देख सकते हैं दूर दूर तक आपकी नज़र जाएगी, आपको केवल पतंग ही पतंग नज़र आएगी। आप देख सकते हैं दूर दूर तक आपको केवल पतंग ही पतंग नज़र आएगी, हर छत से पतंग उड़ रही है, एक दूसरे के साथ मुकाबला हो रहा है। देख सकते हैं ये मुकाबला हार चुके हैं और इनकी पतंग कट चुकी है और ये दूसरी पतंग उड़ाने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं पतंग कट कर लगभग हर छत पर गिर रही है, आप देख सकते हैं कितनी भारी मात्रा में पतंगें उड़ रही हैं। मेरे पास भी काफ़ी पतंगें हमारी छत पे कट कर गिरी हैं, देख सकते हैं अभी एक पतंग आपको दिखी होगी, वह कट के आई है पीछे से, देख सकते हैं आप हर छत पर दूर दूर तक, बहुत ही शानदार नज़ारा है। आज 15 अगस्त के दिन एक पतंगबाजी को एक त्यौहार के रूप में यहाँ पर मनाया जा रहा है, बहुत ही खुशी का पल है ये। लोग उत्साह के साथ पतंग उड़ा रहे हैं, आप देख सकते हैं दूर दूर तक मैं आपको दिखा रहा हूँ, केवल केवल आसमान में पतंग ही पतंग नजर आ रही है। आइए मैं भी मुकाबला करता हूँ पतंगबाजी का, आइए हम भी दूसरी पतंग के साथ अपनी पतंग को लड़ाते हैं। आप देख सकते हैं मैं पतंग लड़ा रहा हूँ, बहुत ही आनंद आता है जब भी मेरी पतंग देख सकते हैं लड़ गई है, और यहाँ पर देख सकते हैं आप और कट गई मेरी पतंग। आइए देख सकते हैं छोटे बच्चा है, देख सकते हैं इससे बातचीत करते हैं, कुछ बता रहा है कि मेरे पास काफी पतंगे हैं, मैं भी पतंग उड़ाने का बहुत ज्यादा शौक है मुझे। मुस्कान देख सकते हैं इसके चेहरे पे आप पतंग उड़ाने को लेकर के, इसका भाई देख सकते हैं किस प्रकार से दिखा रहा है, वो पतंग कट गई बता रहा है। बहुत ही इन बच्चों को देख करके अपना बचपन मुझे याद आ रहा है, किस प्रकार से मैं भी इसी प्रकार से पतंग उड़ाने के प्रति उत्साहित रहता था। छत पर लगातार जितना शाम हो रही है छत पर लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, लोग भारी भरकम मात्रा में छत पर पहुंच चुके हैं, काफी पतंगे लेकर के पतंग बाजी के लिए, मुकाबले के लिए। आप देख सकते हैं चारों तरफ दूर दूर तक पतंग ही पतंग नजर आ रही है, क्या महिलाएं क्या पुरुष, हर बड़े से बड़े लोग, छोटे छोटे बच्चे, बड़ी उम्र के बच्चे, हर तरह के व्यक्ति पतंग उड़ाने का मजा यहाँ पर ले रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं। आप देख सकते हैं दूर दूर तक पतंगें नजर आ रही हैं हम लोगों को। आप देख सकते हैं दोस्तों आज हम अपनी यात्रा में फरीदाबाद आए हुए थे। दोस्तों मेरे को यहाँ पर पतंगबाजी किस प्रकार से होती है, त्यौहार, इस त्यौहार को किस प्रकार से मनाया जाता है, यह दिखाना था। दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो
कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। दोस्तों इस समय शाम हो चुकी है, अब पतंगबाजी थोड़ा कम हो रही है, कुछ ही देर में रात हो जाएगी तथा यह त्यौहार समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं, लेकिन अभी भी पतंग की मात्रा बहुत ही ज़्यादा है। दोस्तों हमारी इस वीडियो पर कमेंट करना जरा सा भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।